हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद प्रणति। सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हेलो, माय नेम इज प्रणति। आई पोस्ट कंटेंट रिलेटेड टू स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि अगले वीडियो में आई कैन गिव यू अ शाउट आउट। सो इस वीडियो में जो शाउट आउट है वो मैं बताने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। वेल, इन दिस वीडियो ना 2022 में कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू री बाय दैट अगेन बिकॉज दे आर सो गुड। तो आई थिंक 5 to 6 प्रोडक्ट्स है, मैं क्विकली आपको बताती हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट्स एंड सम आर कॉस्टली, सम आर वेरी अफोर्डेबल। तो आप भी इनको चेकआउट कर सकते हो, ट्रस्ट मी यू विल लव दिस प्रोडक्ट। सो या, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमर एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस प्राइमर बाय इनसाइड। और ये थोड़ा अफोर्डेबल ही है, कुछ कॉस्टली नहीं है। दिस इज 3-in-1 प्राइमर, प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर्स एंड दिस इज अ ऑयल फ्री प्राइमर एंड जेल बेस्ड है। तो बहुत ही अच्छा बेस मिलता है आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और ये एक्चुअली पूरा खत्म हो चुका है तो मैं इसको बाय करने वाली हूँ सेकेंड टाइम। हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ प्राइमर एंड दिस प्राइमर इज बाय स्विस ब्यूटी। और ये प्राइमर ना मेरा एक्चुअली फेवरेट है। मतलब अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो ना तो आपको पता होगा कि मैं यही यूज़ करती थी और अभी के टाइम में भी बहुत वीडियोस में ये वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्राइमर एज अ प्राइमर तो काम करता ही है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। मतलब जैसे आप लगाओगे ना, आपका फेस जो है ना ऐसा ग्लो करेगा ना कि पूछो मत। और आप देख सकते हो ये मैंने लाल फिनिश कर दिया है, तो इसको भी मैं वापस ऑर्डर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा मस्त प्रोडक्ट है। दिस कम समवेयर अराउंड 300 या 350 के आसपास आपको मिल जाएगा। सारी प्रोडक्ट्स जो है मैं लिंक में डाल दूंगी, तो अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। सो दिस वन आई एब्सोल्युटली लव। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ फाउंडेशन एंड ये फाउंडेशन ना अगर आप मेकअप के बारे में जानते नहीं हो, इफ यू वांट टू बाय न्यू मेकअप देन गो फॉर दिस फाउंडेशन बिकॉज यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस। दिस इज अ फिट मी बाय मेबेलिन एंड आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड। तो ये ना, मतलब आई रिमेंबर दिस When I started makeup, this was the first foundation I got. और ये रीस्टॉक जो है ना होता ही रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है और बजट में है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आई थिंक 400 के आसपास ये ट्यूब है, लेकिन बॉटल भी मिलती है इसकी 400 या 450 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अगर आप न्यू हो ना मेकअप में देन गो फॉर दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली, और आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे फॉर श्योर। वन मोर इन फाउंडेशन एंड दिस इज बाय कलरबार। ये भी मैंने रिसेंटली फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, तो बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन अच्छा है, बहुत ही अच्छा बेस मिलता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड दिस कम समवेयर अराउंड 550 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और इसका आधा बॉटल अभी खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली ये वाला भी मैं वापस ऑर्डर करने वाली हूँ, तो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई फॉर श्योर। तो लेट्स मूव ऑन विद कॉम्पैक्ट पाउडर। और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट जो है ना मैं पिछले वाली फाउंडेशन के साथ में ही मंगाया था, तो दिस इज़ अगेन बाय कलरबार। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत ही इजीली मैटिफाई कर देता है आपके बेस को, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब एक बार इसको लगा के ना बहुत सारे घंटों तक ना, कम से कम 5 to 6 आवर्स आपका मेकअप हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। सो गो फॉर दिस फाउंडेशन और ये आई थिंक आपको 300 के आसपास कुछ तो मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द हाईलाइटर। हाईलाइटर के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दिस इज़ द स्टिक हाईलाइटर बाय बेला वोस्टे। तो ये ना, मतलब कमाल का हाईलाइटर, पता नहीं यार इतने कम प्राइस में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला है। इसका ऐसा शेड है, यू कैन सी, और ये जब मैं लगाती हूँ ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि दैट यू हैव अप्लाइड अ हाईलाइटर। चंकी वाला इफेक्ट नहीं आता, बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल लगता है और ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जो है वो विद इन ग्लो कर रही है। इसमें ना और भी सारे शेड्स है, तो मेरे पास पहले मैंने मंगाया था तो एक ही था, बट डेफिनेटली इसके दूसरे शेड्स भी मंगाने वाली हूँ। सो दिस इज़ डेफिनेटली, बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ ये प्रोडक्ट। अगर आप यू नो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ हाईलाइटर में, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। और ये जो शेड है, दिस इज़ समथिंग इन दिस शेड, बट इसमें जो पिंक वाला है ना वो भी मुझे ट्राई करना है, बिकॉज वो थोड़ा सा ब्लश का भी इफेक्ट करेगा और प्लस हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा। सो दैट इज़ डेफिनेटली ऑन माई बकेट लिस्ट, सो गिव दिस अ ट्राई फॉर मी। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन ब्लश विच आई हाईली रिकमेंड इज दिस क्रीम ब्लश बाय NYBABE। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। मतलब मुझे ना क्रीम ब्लश में बहुत एक प्रोडक्ट मंगाना था क्योंकि मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर ट्राई किया था सबसे फर्स्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला, बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस कम समवेयर अराउंड 249 में आपको ये मिल जाएगा और इसमें और भी कलर्स है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और ये इतना स्मूथली ब्लेंड हो जाता है ना,
और मतलब लिटरली मैंने जब भी ये ब्लश यूज़ करके वीडियो डाला है ना, एक हाथ कॉम्प्लीमेंट तो मुझे आता है, ये लोग पूछते हैं कि विच ब्लश यू आर यूजिंग। सो दिस इज़ द NYB ब्लश और ये आपको पर्पल पे ही मिलेगा, ये कहीं और नहीं मिलता। तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ डाउनलोड पर्पल और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। प्लस इसमें ना बहुत सारे शेड्स भी मिल जाएंगे, सो डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। ये तो बहुत मतलब दिस इज माई फेवरेट ब्लश। तो लेट मी शो यू, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस शेड इज। और बहुत ही मतलब आप फिंगर से भी ब्लेंड करोगे ना तो भी बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाएगा। तो डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इन मस्कारा, दिस इज मेबेलिन न्यू यॉर्क स्काई हाई लैश सेंसेशन मस्कारा। थोड़ा सा प्राइसी आपको लगेगा बट दिस इज वर्थ योर एवरी पेनी। बहुत ही ज़्यादा मतलब यू नो इट गिव्स अ वेरी क्या बोलते हैं, ऐसा लगेगा ना जैसे आपने फॉल्स आई लैशेज लगाए। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है आपके आई लैशेज को, लिफ्ट भी करता है और प्लस ये बहुत देर तक टिकता है। इसके साथ ना एक ही प्रॉब्लम होता है कि जब भी मैं ये लगाती हूँ ना इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई नीड टू यूज़ माई माइसलर वाटर, मतलब ये सिर्फ पानी एंड इससे नहीं निकलता। तो अगर आप ये लगा रहे हो ना मेक श्योर दैट यू हैव मेकअप रिमूवर ऑल्सो, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हटता। बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और वाटरप्रूफ है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। लेट्स मूव ऑन विथ लिपस्टिक्स। एक्चुअली लिपस्टिक में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट इतने सारे ऑप्शन बताऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो नहीं करना। तो क्विकली आपको एक ऑप्शन बता देती हूँ, दिस इज बाय कलरबार लिपस्टिक और ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैट फिनिश देता है। दिस इज इन द शेड 012। इफ़ यू आर अ पर्सन हु मोस्टली अप्लाइज न्यू लिपस्टिक देन डेफिनेटली गो फॉर दिस शेड, बिकॉज दिस शेड इज परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। मतलब कुछ भी ड्रेस पहन लो, कोई भी कलर का पहन लो, अगर ये अप्लाई करोगे ना चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। प्लस ये हटती नहीं है यार, खाना खा लो, पानी पी लो, जो करना है करो, ये लिपस्टिक नहीं हटेगी क्योंकि दिस इज़ लाइक रियली लॉन्ग लास्टिंग। और ये आपको आई थिंक 650 के आसपास या 700 के आसपास आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली इसमें बाकी के शेड्स में ट्राई करने वाली हूँ और आई हाईली रिकमेंड दिस लिपस्टिक, डू गेट दिस। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दिस वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हाईली रिकमेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड येस ऑफकोर्स आई रिमेंबर कि मुझे सब्सक्राइबर शाउट आउट देना है। तो इस वीडियो के लिए शाउट आउट गोज टू आस्था। थैंक यू सो मच आस्था फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, आई लव यू ऑल। सो गाइज इफ यू वॉन्ट मी टू टेक योर नेम ऑन माई चैनल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पोस्ट योर नेम इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी शाउट आउट दे सकूँ। एंड बाय द वे थैंक यू आस्था, बाय एवरीवन।